अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में हाजिर हैं जनाब आपके सामने। एक तो आपको बताएंगे कि हर रोज एक नई कंट्रोवर्सी शेर अफजल मरवत के साथ जुड़ रही है, और इब्तिदा में तो ऐसा लग रहा था कि शायद उनका एक लाउबालीपन या थोड़ा सा एक जो गैर जिम्मेदाराना सा बयान देने का रुझान है उसकी वजह से वो खबरों में आ जाते हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लग रहा है कि सूरत हाल थोड़ी ज्यादा संगीन हो रही है। उसकी वजह यह है कि अब जो उनके ऊपर इल्जाम हैं वो बड़े सीरियस नौयत के हैं, और अभी तक वो इन इल्जाम के हवाले से कोई भी इत्मीनान बख्श जवाब अपनी पार्टी को और अपने पार्टी वर्कर्स को नहीं दे सके हैं। इस वजह से ये इल्जाम और संगीन होते चले जा रहे हैं, और अब कौन से नए इल्जाम हैं ये आपके साथ मैं शेयर करूंगी। फिर इसके साथ साथ जनाब आपको बताएंगे, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, आज इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन मनाया जा रहा है, और ये दिन किसकी काविशों का एक आप समझ लें कि सहरा है, मरहून मिन्नत है, और आज वो शख्स के साल में इसके ऊपर बात करेंगे। मज़ीद अगर हम कुछ बात करें इस हवाले से कि क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, तो इसमें जनाब आज ऑर्डिनेंस के जरिए कुछ कानून साजी की कोशिश की गई, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा शोर मचाया गया पीटीआई की तरफ से। मज़ीद नशस्तें भी पीटीआई की पीएमएलएन को देने की तैयारी है, अब उसके ऊपर भी लोगों ने इवन हल्के वल्के बता भी दिए हैं कि जी कौन कौन से मजीद लोग जो हैं अब वापस अपनी जीत को हार में बदलता हुआ देखेंगे, ये भी आपके साथ रखेंगे। और फिर आखिर में बात करेंगे, अजमा बुखारी साहिबा ने बताया कि जी हेलीकॉप्टर का खर्चा कितना होता है, तो इसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे कि फवाद चौधरी साहब के बाद अजमा बुखारी साहिबा दोनों ने ही हेलीकॉप्टर को इतनी सस्ती और आसान सवारी बता दिया है कि मेरा तो दिल चाह रहा है कि एक दफ़ा हिम्मत करके मैं भी कोई हेलीकॉप्टर खरीद लूँ, उसके बाद तो आना जाना बड़ा आसान भी हो जाएगा और सस्ता भी हो जाएगा। तो इसके ऊपर बात करते हैं इस वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से बात हो जाए। थ्रू आउट जब से वो पार्टी में आए और एकदम से उन्होंने राइज करना शुरू किया, तो उनके ऊपर बहुत सारे सवालात उठते थे कि सब लोग जब इस वक्त क्रैकडाउन का शिकार हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं, खुल के बाहर निकल के बात नहीं कर सकते, तो शेर अफजल मरवत साहब किस तरह ये सब कर पाते हैं, उनको क्यों पुलिस कभी पकड़ने में कामयाब नहीं हुई, क्यों उनके ऊपर उस तरीके से सख्ती हमें देखने में नजर नहीं आई, सिवाय इसके कि वो पंजाब जब आए तो उन्हें पकड़ा गया और फिर उसके बाद उन्होंने एक सेटलमेंट की, और उसके बाद दोबारा ना वो पंजाब जाके उन्होंने कोई कन्वेंशन करने की कोशिश की और ना ही उन्हें फिर कोई और किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि शेर अफजल मरवत साहब बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट के ही आशीर्वाद से पार्टी का हिस्सा बने हुए हैं, और उनके पार्टी में आने से बेसिकली मकसद यही है कि अपने लोग कुछ इंडक्ट हो जाएं ताकि वो अपने जो मकासद हैं उसको सर्व कर सकें। शेर अफजल मरवत साहब ने जिस तरीके से अफनानुल्ला साहब की पिटाई की, उसके बाद वो एकदम मरकज़ निगाह बन गए, फिर उनकी कुछ बात करने का तरीका दिलचस्प था तो वो ज़्यादा खबरों में रहने लगे, फिर उसके बाद उन्होंने शुएब शाहीन साहब पर एक दिन गोलाबारी शुरू कर दी और कहा कि ये गद्दार हैं, और फिर कुछ और लोगों के हवाले से भी उनका ये कहना था कि पार्टी में कुछ गद्दार हैं जो खान साहब के साथ सिंसियर नहीं है। लेकिन ये सबके बावजूद भी समहो और द अदर शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो सर्वाइव करते रहे, और फिर भी पार्टी की एक बड़ी जो समझ लें आप वर्कर की फॉलोइंग थी वो उनको मिल गई, क्योंकि वो बहरहाल दलेराना बाहर निकल रहे थे, लोगों को बाहर निकाल रहे थे, और उस खौफ के माहौल में अगर कोई शख्स ऐसा कर रहा था तो हर किसी ने उस चीज़ को फिर वेलकम करने की कोशिश की, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उस वक्त भी बहुत सारी चीज़ें उनके हवाले से सामने आती जा रही थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि जब इलेक्शन हो गए तो उसके बाद कुछ ऐसे बयानात शेर अफजल मरवत साहब दे देते थे जिसके ऊपर पार्टी को डिफेंड करना मुश्किल हो जाता था, फिर पार्टी की तरफ से उन्हें एक दो दफ़ा शो कॉज नोटिस भी जारी हुए, तो लग रहा था कि रऊफ हसन साहब, हामिद खान साहब और एक दो लोग जो हैं ख़ास तौर पर वो शायद शेर अफजल मरवत साहब के साथ उतने कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन इवेंचुअली चूंकि ये सबको नजर आ रहा था कि खान साहब उनसे मिल रहे हैं, अलीमा खान साहिबा ने भी इस बात की तस्दीक की कि खान साहब उनकी मुलाकातों में शामिल रहते हैं, तो फिर सबने ये अंदाजा लगाया कि अगर खान साहब उन्हें ट्रस्ट कर रहे हैं तो ठीक है, फिर हमें भी उन्हें ट्रस्ट ही करना चाहिए। बात आगे बढ़ती चली गई, लेकिन अब सूरत हाल इसलिए बढ़ गई ज्यादा आगे क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब के जो भाई हैं उनको काबीना में शामिल किया गया, और उनकी हवाले से जो इतराजात थे वो ये थे कि वो अपनी मुख्तलिफ पोस्ट के अंदर, और वो कभी भी पीटीआई या इमरान खान साहब के हामी नहीं रहे बल्कि शदीद नाकिद रहे, और इतना ही नहीं बल्कि खान साहब के लिए काफी बुरे भले रिमार्क्स वो देते रहे हैं। तो इसके ऊपर पीटीआई कारकुनान को बड़ी
तशवीश थी कि उन्हें क्यों आखिर कैबिनेट का हिस्सा बनाया गया। एक तो वो इलेक्टेड भी नहीं है, फिर दूसरा आपने उन्हें ओहदे से नवाजा है, तो कम से कम वो बंदा केपेबल हो या वो पार्टी के साथ मुखलिस हो, ऐसा भी नहीं है। और फिर मौरूसियत का भी एलिमेंट है कि आप ऑलरेडी पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बन रहे हैं और ऊपर से आप अपने भाई को भी मुशीर बनवा रहे हैं, तो ये सारी क्या आपको पोस्ट सारी फैमिली आपको ही मिलती चली जाए। इस पे भी शेर अफजल मरवा साहब कुछ कारकुनान को मुतमईन नहीं कर पाए और उन्होंने कहा कि जी देखिए हमारे मसले हैं हल्के के और ये वो, तो इतनी मेरी कुर्बानी बनती है वगैरह वगैरह करके। तो लेकिन ये कोई वाज़े जवाब नहीं था और ना ही वो इस बात पे कायल कर सके कि आखिर उनके भाई पहले पीटीआई के इमरान खान पर इतनी तनकीद क्यों करते थे, और अगर करते थे तो क्यों, कब, कैसे बदले, और क्या उन्होंने इस हवाले से कोई बाकायदा आकर माजरत की कि वो जो करते थे वो गलत था वगैरह वगैरह। कोई आप अपनी एक रियलाइजेशन का एहसास, तो कोई इस हवाले से कोई क्लैरिफिकेशन ऐसी नहीं सामने आई जो कि कारकुनों को मुतमईन करती। और अब हाल ही में जो ताज़ा वाक्या हुआ है वो ये कि जब खान साहब पे पाबंदी लगी तो चुप करके शेर अफजल मरवा साहब चले गए हाईकोर्ट और वहां जाकर उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी कि जी पाबंदी के हवाले से कोई मैकेनिज्म बनाया जाए। और फिर हमने देखा कि बगैर किसी और बड़े पार्टी लीडर्स की तरफ से या कुछ होता, शेर अफजल मरवा साहब और जो वहां पर एक आध और उनके साथ जो भी कोई वकला हैं वो मिल बैठ कर ये तय कर रहे हैं कि जी सिर्फ 3 या 4 लोग जो हैं वो खान साहब से मुलाकात करेंगे और वो ही जो हैं आगे फर्दर तय करेंगे किसने खान से मिलना है और किसने नहीं मिलना। और इतना ही नहीं बल्कि आज तो हद हो गई, शेर अफजल मरवा साहब कोर्ट से ये ऑर्डर भी ले आए कि खान साहब से अब फिजिकल मुलाकात अगर किसी ने करनी हो, यानी अदर देन फैमिली मेंबर और इन 3-4 लॉयर्स के, अगर किसी और ने मिलना है तो वो सिर्फ वीडियो लिंक पर मुलाकात कर सकता है। अब ये इट्सेल्फ बड़ी अजीबोगरीब बात है कि भाई वीडियो लिंक पर आप कैसे ये इस बात के ऊपर मान के आ गए कि जी ठीक है वीडियो लिंक पे ठीक है जी। ये तो बिल्कुल ही एक बहुत ही कमज़ोर किस्म का इन्होंने फैसला लिया शेर अफजल मरवा साहब ने, क्योंकि वीडियो लिंक पे पहली बात हर चीज़ रिकॉर्ड होती है, वो सेफ नहीं है उस तरीके से उस पर गुफ्तगू। अब पार्टी लीडर्स इतने सारे हैं, बहुत सारे लोग खान साहब से मिलना चाहते हैं, तो वो क्या वीडियो लिंक के जरिए मिलेंगे और क्या खान साहब उनसे खुल के बात कर सकेंगे या वो खुद खुल के बात कर सकेंगे। फिर दूसरी बात यह कि इस पर तो बड़ा आपने आसानी से बहाना मुहैया कर दिया है सुपरिटेंडेंट जेल को, वो रोज़ कह देंगे जी इंटरनेट काम नहीं कर रहा, मुलाकात नहीं हो सकती, तो इस तरह तो पार्टी लीडर्स मिल ही नहीं पाएंगे खान साहब से। और फिर हर कोई इस बात के ऊपर तनकीद का निशाना बना रहा है कि आपने सिर्फ 2-3 मखसूस लोगों को खान साहब से थ्रू कर दिया है, तो इससे तो साफ वाजे पता चल रहा है कि आप खुलकर बहुत सारे सब लोगों को मिलने नहीं दे रहे, सबकी राय खान साहब तक पहुंचने नहीं पा रही, तो फिर ये कैसे मामला चलेंगे। इसका मतलब है कि सारी पार्टी बेसिकली हाईजैक हो गई उन 2-3 लोगों के हाथ में, जो जैसे चाहें खान साहब ने क्या कहा बाहर आके कुछ भी बताएं, या खान साहब को क्या जाके बताना है वो अपनी मर्जी की चॉइस की चीज़ें बता दें। अब सेनेट के नाम के हवाले से यही प्रॉब्लम जनरेट हुआ है कि केपी से कोई 8 लोगों की लिस्ट फाइनल हुई थी जिसमें आजम सवाती साहब को, अली अमीन गंडापुर साहब को और शिबली फराज साहब को खान साहब ने ये टास्क दिया हुआ था, और उन्होंने जो लिस्ट बना के भेजी है, खबर ये अब आ रही है और ये पार्टी के अंदरूनी ज़राए खबर दे रहे हैं कि वो लिस्ट जो है उसमें तब्दीली कर दी गई और उसमें से कुछ नाम निकाल कर और कुछ नाम अपने मर्जी से अंदर डाल दिए गए। और ये जो 3 नाम बताए जा रहे हैं कि फैजुर रहमान, वकास औरंगजई और खुरम जीशान, ये 3 नाम हैं जो कि उस लिस्ट में शामिल नहीं थे जो शिबली फराज साहब ने, अली अमीन गंडापुर साहब ने, आजम सवाती ने फाइनल की। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई ये फिर नाम कहाँ से आ गए, और सारे लोग ज़्यादातर इस पे शेर अफजल मरवा साहब की बात कर रहे हैं कि उन्होंने ये नाम इंडक्ट करवाए हैं इस लिस्ट में और ये उन्हीं की ईमा पर इन लोगों को सेनेट के टिकट देने के हवाले से चीज़ें वो कर रहे हैं। तो अब ये बड़ी तशवीशनाक बात है, इसका मतलब है जो खान साहब पे लिस्ट पहुंचनी थी उन लिस्ट में से खान साहब ने कुछ फाइनलाइज करना था, लेकिन अगर आप पहले ही लिस्ट बदल के कुछ ऐसे मखसूस नाम शामिल कर देंगे कि उन्हीं में से खान साहब फिर फाइनल कर लें, इतना तो वक्त भी नहीं होता खान साहब के पास भी कि हर एक बंदे के बारे में तफसील पूछें या एक पूरा उनके जहन में कोई बैकग्राउंड भी हो किसी का, तो ये तो मर्जी के फैसले लेने की मुतरादिफ बात हो जाएगी। अब इस सारी सिचुएशन के ऊपर जाहिर है सब बहुत क्रिटिसाइज भी करें, लेकिन अभी तक शेर अफजल मरवत साहब का भी कोई इसके ऊपर रिएक्शन नहीं आया और ना ही खुद जो पीटीआई की लीडरशिप है, बैरिस्टर गौहर साहब हों, उमर अयूब साहब हों, उन्हें आके सिलसिले में बात करनी चाहिए कि भाई कौन लिस्टें फाइनल कर रहा है और क्यों कोई नाम निकाला और किस बुनियाद के ऊपर डाला जा रहा है। तो ये सब चीज़ें अब बड़ी ऐसी हो गई हैं जो डुबियस सी हो गई हैं और सब इसके ऊपर अब शेर अफजल मरवा साहब के ऊपर 2-3 ये जो इन्होंने काम किए हैं कि एक तो मुलाकात को बहुत लिमिटेड करवा दिया, फिर लिस्टें इधर उधर बदली, तो अब सब इस बात पर शक की नज़र से देख रहे हैं और मेरा ख्याल है बड़ा जायज़ शक बन रहा है अब शेर अफजल मरवा साहब पे। उन्हें अगर वो सच्चे हैं तो उस हवाले से अपनी बाकायदा क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए, वजाहत करनी चाहिए और खान साहब के ऊपर किसी को भी
कब्जा नहीं कर लेना चाहिए कि भाई हम ही जब बस जाके मिलेंगे और कोई नहीं मिल सकता। तो पूरी पार्टी के अपने अपने इश्यूज हैं जो जिससे कोर्ट अगर परमिशन दे रही है तो कोर्ट की परमिशन से कोई भी उन्हें मिल लेना चाहिए। अब इसी तरह से जी आज बात हम थोड़ी सी आगे ले के जाते हैं। उमर अयूब साहब ने इसके ऊपर भी क्वेश्चन आज रेज किया है कि जो मामला चल रहे हैं कौमी असम्बली में ऑर्डिनेंस कुछ पास किए गए थे, उन ऑर्डिनेंस में तौसी के लिए एक साथ 7-8 ऑर्डिनेंस जो हैं उनको आज असम्बली में रख दिया गया और किसी को पता नहीं है कि अंदर कानून है क्या क्या नहीं है। और कानून आप खुद कानून साजी करें, पार्लियामेंट वजूद में आ चुकी है तो ये तो कोई जवाब नहीं है कि आप ऑर्डिनेंस के जरिए जो है मुल्क चलाने की कोशिश करें। लेकिन ना किसी को पता था इन ऑर्डिनेंस में था क्या, क्या शिके थी, बिल्स किस टाइप के थे, कुछ नहीं, बस तौसी के लिए वो सामने रख दिए गए। और जाहिर है कि मेजॉरिटी चूंकि हुकूमती मेंबरान की है तो वो हो भी जाएगा, लेकिन आज इसके ऊपर जो है वो काफ़ी तहफ़ुज़ात का इजहार हो रहा है। तो जिस अंदाज से अब ये चीज़ें चल रही हैं, अब आपको वही बात मैं फिर समझाना चाहूँगी कि जो हम बात कर रहे थे कि बेसिकली ये सारा सिस्टम जो है वो पीछे से कंट्रोल्ड सिस्टम है और आगे ये सब जो है आप देख लें, कैबिनेट हो या पार्लियामेंट हो, ये सब आगे मोहरे बन चुके हैं। तो इसलिए किसी को भी अपने दिमाग इस्तेमाल करने या अपनी मर्जी से कानून साजी की उस तरह से इजाज़त ही नहीं होगी, बात करने की तक इजाज़त नहीं है। आज एक तकरीर के दौरान कुलभूषण यादव का जिक्र आ गया। अब कुलभूषण यादव जो है वो कौन था? वो इंडियन जासूस था और जिसको पकड़ा गया और जिसको जाहिर है सजा भी हुई मिलिट्री कोर्ट से, फिर उसके बाद उसका मामला आलमी अदालत में भी चला गया वगैरह वगैरह, वो लंबी कहानी आपको पता ही है। लेकिन समझ ये नहीं आती कि आखिर कुलभूषण यादव को लेकर के आखिर इतनी सेंसिटिव क्यों है पीएमएलएन और उसके ऊपर तनकीद करने से वो गुरेज क्यों करते हैं। कुलभूषण यादव जब पकड़ा भी गया था उसके बाद जब ये मामला आगे भी बढ़ा और उस दौरान नवाज शरीफ साहब को भी जनरल असेंबली में जाके जब खिताब का मौका भी मिला तो उन्होंने वहां पे भी कहीं इस चीज़ का जिक्र नहीं किया। ये इतना बड़ा वाकया है कि आपका एक दुश्मन मुल्क जो है वो आपके घर के अंदर जासूस भेज रहा है, वो पकड़ा गया, तो आपको तो उसकी बैंड बजा देनी चाहिए कि इंडिया की हरकतें आप चेक करें। लेकिन कोई मुजम्मत नहीं, कोई उसका नाम तक नहीं लेता पीएमएलएन की तरफ से। और अब जब दोबारा पीएमएलएन की गवर्नमेंट आ गई है तो फिर यही सूरत हाल हुई कि आज कुलभूषण यादव का इसी तरह किसी मामले के ऊपर जिक्र आया तो पीटीवी ने उसका नाम म्यूट कर दिया। समझ नहीं आती कि कुलभूषण यादव को इतनी इज्जत और एहतराम देने की वजह क्या है। क्या आखिर ऐसा कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है पीएमएलएन ने कि जो वो खुलकर कुलभूषण यादव को जो है वो कंडेम नहीं कर सकते या उसके ऊपर या इंडिया के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते इसके नाम लेकर के? तो ये बिल्कुल एक अजीब व गरीब मामला है कि आपका जासूस पकड़ा जाता है आपके घर के अंदर से और आप जो है उसके ऊपर कवर करने की कोशिश करते रहते हैं और उसके ऊपर आप बात ही नहीं करते। ये एक अजीब व गरीब सा मामला है। दूसरी तरफ हम अगर देखें खान साहब के मामले के ऊपर तो खान साहब ने ना सिर्फ ये कि इंडिया से शुरू में तो बात की कि अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन जब इंडिया ज्यादती कर रहा था तो खान साहब इसके ऊपर खुल के बात कर रहे थे और उन्होंने जिसको कहते हैं ठोक बजा के तनकीद भी की और अच्छी खासी क्लास भी ली। और जब यूनाइटेड नेशन में भी खान साहब गए तो उन्होंने वहां पर कश्मीर का मुकदमा बड़े मौसर अंदाज से सामने रखा और फिर उन्होंने उस एक जो खिताब जो उनका बहुत वायरल भी हुआ था उस असेंबली के खिताब में उन्होंने इस्लामोफोबिया की भी बात की और वो एक ऐसी चीज़ थी जो खान साहब ने बहुत, मैं समझती हूँ कि बहुत ज़बरदस्त कारनामा किया था इस्लामोफोबिया के लिए, के जो उस सारे कॉन्सेप्ट के खिलाफ जो उन्होंने एक पूरी तहरीक चला दी। और फिर वो सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि मुख्तलिफ फोरम्स पर फिर खान साहब ये बात करते रहे। उन्होंने ना सिर्फ ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के हवाले से लोगों को ये रियलाइज़ कराने की कोशिश की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती हमारे लिए किस कदर बुलंद है और हमारे लिए उसका क्या इज्जत और एहतराम के साथ साथ मोहब्बत और जो एक इश्क का रिश्ता है वो क्या है। और अगर उन्हें कोई खुदा न खास्ता तजहीक करता है उनकी या किसी हवाले से भी उनके ऊपर अगर उनकी गुस्ताखी करने की कोशिश करता है तो वो हमारे लिए कितनी तकलीफ दे बात होती है। तो ये चीज़ मुसलमानों को तो पता ही है लेकिन वेस्ट को और नॉन मुस्लिम्स को आप जाकर ये रियलाइज़ कराएं कि भाई ये काम करने की हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर उसके साथ साथ आप ये भी करें, ये भी उन्होंने किया कि जो हमने देखा कि एक वाक़यात बढ़ते चले जा रहे थे कि कहीं पे मुसलमान फैमिली है तो उसको टारगेट कर दिया, जैसे न्यूजीलैंड में वाक़या पेश आया मस्जिद में आके किसी ने किस तरीके से इतने पढ़ते नमाजियों को जो है वो शहीद किया
और कई वाकयात ऐसे रूनुमा हो रहे थे जिसमें बाज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि दहशतगर्दी को इस्लाम के साथ जोड़ा जाता है और फिर उसके बाद हर कोई अपने आप में ये तय कर लेता है कि जनाब अब हम किसी भी मुसलमान को जो मर्जी सजा सुना दें खड़े खड़े। और ये हमने देखा कि फिर मुसलमानों के ऊपर अटैक के वाकयात बढ़ रहे थे वेस्टर्न कंट्रीज़ में। तो इस हवाले से फिर खान साहब ने एक रियलाइजेशन दी, थ्रू आउट ये एक तहरीक भी चली और भी इसमें ज़ाहिर बहुत सारे किरदार शामिल हैं, लेकिन जो इवेंचुअली इसमें जो सबसे मुस्बत और सबसे मौसर किरदार था वो इमरान खान का था। और फिर उसके बाद हमने देखा कि OIC के प्लेटफॉर्म से फिर ये एक बाकायदा यूनाइटेड नेशन में करारदाद मंजूर हुई और फिर ये तय किया गया कि 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन मनाया जाएगा यूनिवर्सली, जिसमें ये तय किया जाएगा कि इस्लाम एक अमन पसंद मुल्क है। और ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि जी दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ा जाए, इसकी नफ़ी की जाए, इस तासुर की नफ़ी की जाए और फिर इस चीज़ के ऊपर फिर जो मुसलमानों को टारगेट करने के वाकयात हैं उसमें कमी लाई जा सके। तो ये सारी जो एक खिदमत है इस्लाम की, ये खान साहब के अल्लाह ने हिस्से में लिख दी, उन्होंने की उसमें। और बहुत सारे और जो मुस्लिम ममालिक हैं ज़ाहिर है उनका भी किरदार है, लेकिन सबसे मौसर आवाज़ खान साहब की थी, ये कहने में कोई दो राय नहीं है। तो आज हम 15 मार्च को ये दिन मनाते ज़रूर हैं, लेकिन साथ ही तकलीफ भी हो रही है कि जिस शख्स ने ये इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है उसके साथ हम क्या कर रहे हैं। सीधा सीधी सी बात है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और बिल्कुल बेबुनियाद केसेस के ऊपर। और जिस तरीके से वो केसेस चले वो भी सबको पता है और किस तरीके से उनको जेल में डाला हुआ है। तो ये हम लोग कौन हैं कि जो मुल्क का हीरो है या जिसने इस्लाम के लिए काम किया, जिसने पाकिस्तान के लिए काम किया, उसको उठा के हमने बेबुनियाद केसेस में जेल में डाला हुआ है और महीनों से डाला हुआ है और एक सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया हुआ है। यानी एक ऐसा शख्स जो दुनिया में अपना एक असर रसूख रखता है, जिसकी बात को लोग सुनते हैं, उससे हम कितने काम ले सकते हैं पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज के लिए, इस्लाम की खिदमत के लिए। और हम उसके साथ उससे उसकी शख्सियत का फ़ायदा उठाने के बजाय हम उसके साथ क्या कर रहे हैं, उसको हमने जेल में फेंका हुआ है। और ये रबर स्टैम्प किस्म के जो लोग हैं, कठपुतलियाँ, इनको लाके हमने बड़े ओहदों पर बिठा दिया हुआ है, जो कि अपनी मर्जी से बात तक नहीं कर सकते, जो कि अपनी मर्जी से कुलभूषण यादव को एक कोई कंडेम नहीं कर सकते। इस तरह के बुजदिल लोग जो हैं वो आपने ओहदों पर बिठा दिए, गुलाम सोच के लोग आपने ओहदों पर बिठा दिए। और जो मुल्क की खुद मुख्तारी की बात करता है, जो मुल्क की आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात करता है, जो अपनी एक गैरतमंदी की बात करता है, जो खुदी की बात करता है, उसको उठा के आपने जेल में डाल दिया। ये विजन है हमारे ताकतवर लोगों का, ये आप अंदाज़ा लगा लें। तो फिर आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये खुद क्या है, इनकी खुद की सोच फिर क्या है, ये खुद क्या है, ये खुद फिर गुलाम है, तभी इनको अपने जैसे लोग पसंद हैं। और जो अगर कोई इससे मुख्तलिफ नज़र आता है कि वो खुल के बात करता है कि भाई हमारी अपनी मर्जी होनी चाहिए, हमारी अपनी पॉलिसीज होनी चाहिए, वो शख्स फिर इनको काबिल कबूल नहीं था। तो खान साहब की सियासी फैसलों के ऊपर बहुत से इख्तलाफ हो सकते हैं, बहस हो सकती है, लेकिन जो उनकी खिदमात हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं और उसको डिनाई नहीं आप कर सकते। बहरहाल अभी भी ये लड़ाई, ये किस्सा, ये कहानी जारी है और इतना कुछ PTI के साथ विक्टिमाइजेशन का करने के बावजूद भी सिलसिला यहाँ पे थमा नहीं है। अब खबरें ये आ रही हैं कि मज़ीद 20 के करीब हलके हैं जो कि इस वक्त कहा यह जा रहा है कि PMLN की गोद में डालने की तैयारी भरपूर है। रिकाउंटिंग के नाम पर वही पुराना हरबा है, कर ये क्या रहे हैं कि एक नया फॉर्म 47 जारी कर देते हैं, उसमें लिख देते हैं जैसे पिछला जो PTI का उम्मीदवार अगर 7,000 से जीता है तो 10,000 जो वोट हैं उसके वो रिजेक्ट और कर देते हैं डबल स्टैंपे लगा के, और उसके बाद फिर कह देते हैं कि जी जो इसके वोट थे मुस्तरद वोट वो ज़्यादा थे लिहाजा अब ये हार गया और दूसरा बंदा जीत गया। और इतनी ब्लाटेंट किस्म की ये रिगिंग है, इतनी खुली, इस कदर बेशर्मी से की जा रही है, ढिटाई से की जा रही है, लेकिन ना लेने वालों को शर्म आ रही है ना देने वालों को शर्म आ रही है, दोनों ही बेशर्म हुए हैं। और हैरानी मुझे इस बात पे होती है कि इस सारे मामले के ऊपर, बाकी भी सब कुछ मुल्क में बड़ा नॉर्मल चल रहा होता है, मीडिया हो, अदालतें हो, वकला हो, सब उसी उसमें रॉ में बहना शुरू हो जाते हैं कि चलें जी बस ये हो रहा है तो हो रहा है। यानी आप कैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं, मेरी तो अभी तक सोच इस बात से आगे ही नहीं जाती है। मुझे अक्सर लोग कुछ प्रोग्राम्स में बुला लेते हैं तो वो आगे की बात चल कर रहे होते हैं, मैं वहीं अटकी पड़ी होती हूँ कि भाई पहले यहाँ से तो निकलो कि ये आपने किया क्या, ये हो क्या रहा है मुल्क में, फिर ये आगे की बात है कि मुल्क चलना कैसे है, इनकी पॉलिसी क्या होगी, ये जो शबाज शरीफ साहब हैं ये क्या करने जा रहे हैं, मरियम क्या कर रही हैं, वगैरह वगैरह।
बहरहाल मरियम के हवाले से जी 50 रुपए फी किलोमीटर का हेलीकॉप्टर भी ये इस्तेमाल करी है, ये खबर भी आज हमने सुनी है अजमा बुखारी साहिबा से कि जी उन्होंने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से सिर्फ एक दिन के लिए हेलीकॉप्टर यूज किया, हर रोज वो यूज नहीं करती है ना करने का इरादा है। और अब ये भी वैसे अजीब बात है, सिक्योरिटी रीजंस, इतनी सिक्योरिटी ऑलरेडी होती है, बुलेट प्रूफ उनकी गाड़ी होती है और जाहिर है जहाँ से वो गुजरती हैं वहाँ पर वीआईपी मूवमेंट की वजह से एक पूरा बंद होता है, बाकी सारा ट्रैफिक कोई आसपास तो आ ही नहीं सकता है रेलिवेंट बंदा, तो क्या इसमें उनको मजीद खतरा है जो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी के बावजूद है। लेकिन अगर मान लिया फिर भी है तो फिर जी इस वजह से जी वो हवा के रास्ते वो फिर आती हैं, दफ्तर आई हैं और उस पर फिर वही अजीबोगरीब सी मनते कि जी वो तो बहुत सस्ता पड़ता है। वही मुझे याद आ रहा है कि जब फवाद चौधरी साहब ने बात की थी एक दफ़ा खान साहब के लिए, खान साहब भी आते थे हेलीकॉप्टर पर अक्सर ऑफिस।